और इस बीच जल्दी से रुक कर लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोनों विषय हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के मीडिया की खबर की धुरी बनी हुई है, शराब धुरी बनी हुई है। एक भाग रहा है शराब में घोटाला करके कोई नेता भाग रहा है, और दूसरी ओर कुछ ऐसा नेता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत के वाइस प्रेसिडेंट के साथ जिस प्रकार का मखौल उड़ाया है और उसके बाद मार्च पास्ट कर रहे हैं, उसके विषय में भी उनका पर्दाफाश करना है। आप सभी जानते हैं और यह विदित है कि 2 नवंबर को शराब घोटाले को लेकर, एक्साइज पॉलिसी के स्कैम को लेकर अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल एजेंसीज ने, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया था कि अरविंद जी आइए, हम बैठेंगे आमने सामने, आपसे सवाल जवाब करेंगे, और ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, और जहां तक करोड़ों का घोटाला हुआ है ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नाते हम नहीं कह रहे हैं, गिनती अभी तक चल रही है। 2 घोटाले हमने देखे हैं हाल फिलहाल में। मैंने क्यों कहा कि इंडी अलायंस को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है? शराब का पैसा अलमारी दर अलमारी 3 दिसंबर को मतगणना चल रही थी और नोट की गिनती भी चल रही थी। 350 करोड़ से अधिक की नोट की गिनती हुई थी और वो शराब का पैसा था। कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू जी के घर से निकला था। वहां तो गिनती सीमित हुई कि 350 से अधिक करोड़ रुपए उसके अंदर है, और जहां तक केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है अभी तक गिनती चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय, रिजेक्ट करने के समय, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल। मनी ट्रेल है और एस्टैब्लिश्ड है, यह देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा। फिर भी आप अरविंद केजरीवाल जी की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को जब उन्हें बुलाया गया था तो एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था, वो चिट्ठी आप सबने देखा भी है। ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था, अरविंद केजरीवाल जी ने उस चिट्ठी में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा था, 5वें नंबर पॉइंट पे, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, I have governance and official commitments for which my presence is required, particularly in view of the Diwali festivities coming up in the second week of November 2023. उनका कहना था, उनका मानना था कि चूंकि मैं एक पद पर हूं, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी है, और इस कारण से दिल्ली में रहना मेरे लिए अनिवार्य है। साथ में एक और पॉइंट भी लिखा था और मैं वो पॉइंट पढ़ूंगा नहीं, लंबा पॉइंट है, मगर उन्होंने कहा था कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और मैं स्टार प्रचारक हूं, तो मुझे तुरंत जाके वहां पर आम आदमी पार्टी को जिताना है। 205 सीटें शायद लड़ी थी और जमानत जब्त सब सीटों में हुई ना, हाँ, कुछ 0.5% वोट ऐसा मिला है, 1% वोट भी नहीं मिला है। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, शराब घोटाले के किंगपिंग सरगना अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार के बावजूद 0.5% या 0.7% वोट मिला है, और उस कारण से वो ईडी के सामने 2 नवंबर को प्रस्तुत नहीं हुए, और उनका कहना है कि मैं सीएम हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रति, इसलिए मैं अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी एक चिट्ठी लिखी, ये आज की चिट्ठी है, जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जब इस विषय में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। पहला पॉइंट है, ऑन द ईव ऑफ माई डिपार्चर फॉर विपासना मेडिटेशन सेंटर विच हैज बीन वाइडली पब्लिसाइज्ड एंड लार्जली सर्क्यूलेटेड ऑल ओवर द मीडिया इन द कंट्री एज वेल एज ऑफिशियली
announced, to my utter dismay and concern, I have received the subject summons dated 18-12-2023 for my purported appearance in the person on 21-12-2023. अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी आक्रामक, शराब कांड के किंग पिन अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से करार दिया जा रहा है और साथ ही बीजेपी आरोप लगा रही है कि ईडी के समन से केजरीवाल भाग रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।